उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आज अधिवक्ताओं ने एसएसपी कार्यालय का घेराव कर थाना मंजुला क्षेत्र की मंडी समिति पुलिस चौकी पर तैनात सब इंस्पेक्टर मोहित काजला पर एक अधिवक्ता व उनके परिजन के साथ मारपीट व अभद्रता करने का आरोप लगाकर कार्यवाही करने की मांग कर धरना प्रदर्शन किया। पुलिस अधिकारियों ने अधिवक्ताओं की शिकायत सुनकर फिलहाल आरोपी चौकी इंचार्ज मोहित काजला को पूरे प्रकरण की जाँच चलने तक चौकी से हटा दिया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि अब मामले की जाँच कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। एसएसपी कार्यालय पर धरने प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं का आरोप है कि दिवाली की रात मंजुला थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा हो गया था। हादसे में घायल प्रशांत यादव को कुछ लोग जबरन उठाकर दूसरे क्षेत्र के मंडी समिति पुलिस चौकी ले गए। वहां मौजूद चौकी इंचार्ज मंडी समिति मोहित काजला ने अधिवक्ता के परिजन के साथ अभद्रता व मारपीट की। इसकी जानकारी मिलने पर जब विकास सिंह यादव अधिवक्ता वहां पहुंचे तो चौकी इंचार्ज ने उनके साथ भी अभद्रता कर मारपीट करने का आरोप लगाया है। अधिवक्ताओं की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विद्या सागर ने आरोपी चौकी इंचार्ज मोहित काजला को जांच करने तक चौकी से हटा दिया है। अभी पुलिस कार्यालय में कुछ सम्मानित अधिवक्ता साथी आए थे जिनके द्वारा ही आरोप लगाया गया कि थाना मझोला के चौकी इंचार्ज द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। प्रथम दृष्टया चौकी इंचार्ज के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं और जाँच कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।